साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, रीट 2021, यदि आप ईमान से, वो जुनून है आप में और ईमानदारी से, अपने आत्मविश्वास से अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं और बार बार यूट्यूब पर कमेंट्स सर्च कर रहे हैं या एग्ज़ाम डेट के बारे में यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं एग्ज़ाम डेट कब होगी, या कमेंट्स पढ़ रहे हैं दूसरे की वीडियो पे जाके कि कौन क्या राय दे रहा है और दे रहा है, तो यदि ईमानदारी से तैयारी, विशेष रूप से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और तैयारी विशेष रूप से करनी है, तो एक बार आप बात को ध्यान से सुनिए। एग्ज़ाम डेट से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़ है, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। घर पर शादी थी इसलिए 5-7 दिन वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाया। बहुत से कमेंट्स भी आए, कॉल्स भी आए, मैसेज भी आए, लेकिन अब मैं सोच रहे हैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। संस्कृत व्याकरण की जल्द ही कल से शुरू हो जाएगी। आपके जो भी टॉपिक बचे हैं, आज वाच्य प्रयत्न की बात कर लेंगे बाद में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर रहा हूँ उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप रीट की विशेष सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी प्रकार की भ्रमित करने वाली खबरें और खबरें कोई भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी। पहली बात तो मैं बता दूँ, संस्कृत व्याकरण की क्लासें लगभग आपको पूरी हो चुकी है, 1-2 टॉपिक बचे हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण और मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज हमेशा के 30-35% आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको लाइव सेशन लाइव आपको क्लियर होगा, यहाँ पे आपको सब उपलब्ध होगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पहले दबा लें। किस प्रकार से पेपर सोल्व करना और करना, दोस्तों रीट के अंदर किस प्रकार से पेपर सोल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये बात, ठीक है। तो उसके लिए भी विशेष वीडियो आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, एग्ज़ाम डेट की बात जहाँ तक आपको पता है, गवर्नमेंट ने निश्चित क्या कर रखी है, 25 अप्रैल। पहली बात, एक बात और बता दूं, YouTube पर कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसको ये फिक्स पता हो कि एग्ज़ाम जुलाई स्टार्ट में, मई एंड में, जून एंड में होगी या कहाँ होगी। जितने भी वीडियो हैं केवल व्यूज पाने के चक्कर में। अब एक बात और बता दूं, आपको बहुत से बंदे ऐसे हैं जो जुलाई में एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं क्योंकि सिलेबस बढ़ चुका है और अभी उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, इसलिए वो जुलाई में, जून एंड में जो कराना चाहते हैं। और जो बंदे हैं वो जुलाई का बोलकर वीडियो के डालते हैं कि जुलाई में होगी, मैं अब भी कह रहा हूँ, मान लेना, शर्त कर लो, शर्त लगा लो और लगा लो, तो वो बात उनको पसंद आती है, इसलिए वो सोचते हैं कि ये जो बता रहा है एकदम सही बता रहा है। अब मैं बताऊँ, बोर्ड रीट का एग्ज़ाम करवाता कौन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। पहली बात तो आपको अखबार में एकदम पढ़ा होगा कि जो DP जारोली है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है कि हमारी तैयारी 25 अप्रैल के आसपास को लेकर है, अब आप क्या मंशा चाहते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने वापस उनको अपने पत्र के माध्यम से सूचना पहुंचाई है कि देखिए, हम भी ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार बहुत से अभ्यर्थियों को है, तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो। आपने देखा होगा बहुत से ट्वीट भी किए हैं, वसुंधरा राजे है और जो भी बड़े बड़े नेता हैं और हैं, वो आगे किसानी के इस पक्ष में भी हैं, और कुछ हैं वो वहीं पर 25 अप्रैल के आसपास करवाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कैसे भी हो, क्योंकि अगर जुलाई किस्म जाएगी तो फिर बैठेगा नहीं मामला, लेकिन यदि 25 अप्रैल को हो तो महावीर जयंती, 2 मई हो तो और एग्ज़ाम है, फिर बोर्ड एग्ज़ाम है, तो क्या करें। तो बोर्ड से अब वापस राय मांगी है। बोर्ड ने एक पत्र लिखा था कि हमारे 25 अप्रैल को मानकर तैयारी है, अब सरकार ने वापस पत्र लिख दिया है कि आप क्या राय देते हैं, यदि हम 25 अप्रैल को न करवा कर थोड़ा आगे करें, 1-2 महीने करें, तो आप क्या राय देते हैं, या जुलाई में करें तो आपकी क्या राय है। वो अब बोर्ड का अंतिम निर्णय, क्या बोर्ड अब क्या राय देता है गवर्नमेंट को, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री जी हैं वो निर्णय लेंगे 2-4 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। तो निश्चित रहिए, अभी भी कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत रखिए। और दोस्तों, जो मैं पहली बात उन सभी को बता दूँ जुलाई के आधार पर तैयारी कर रहे हैं या जून के आधार पर तैयारी कर रहे हैं, उनकी लगभग 1-2 महीने तो तैयारी करते हो गया शायद, लेकिन अब भी आपके पास 35 दिन का समय है आराम से। यदि आपने आधा कोर्स कर लिया तो आप 30 दिन, 25 दिन, 20 दिन में भी वो आधा बचा हुआ कोर्स कर सकते हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, सिलेबस आपको 25 अप्रैल के आधार पर कवर कर लेना है। और दोस्तों, मैं भी यही चाहता हूँ कि एक बार आराम से, एक बार कम से कम सिलेबस उनका कवर हो जाए। जो भी अभ्यर्थी हैं जो रीट में शामिल होना चाहते हैं, ईमानदारी से जुनून है उनके अंदर अध्यापक बनने का, तो उनका एक बार सिलेबस कवर हो, ये भी मैं चाहता हूँ। ट्वीट भी मैंने किया है बार बार, नोटिस करिए, मैं न तो उनके पक्ष में हूँ न आपके पक्ष में हूँ, मुझे जो सही फैक्ट होता है वो आप तक पहुँचाने का होता है। लेकिन अब भी कह रहा हूँ, 25 अप्रैल को मानकर तैयारी करनी है,
क्योंकि 25 अप्रैल को मान कर तैयारी करोगे तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस हो जाएगा और आगे एक महीना बढ़े तो आपको रिवीजन का समय मिलेगा। दोस्तों रीट के अंदर रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करते तो पढ़ा हुआ मिक्स हो जाता है, इसलिए एक बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसलिए 25 अप्रैल के आसपास यदि आपका एक बार सिलेबस हो जाता है, कवर हो जाता है, तो आपको क्या करना है, उस अगले वाले महीने में आप रिवीजन कर सकते हैं और टेट सीरीज जो भी है वो दे सकते हैं। अब दोस्तों एक बात और, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं कि एक बार आपका सिलेबस हो गया या होने वाला है जो भी है, तो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी रनिंग ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल मेल आईडी से आपको लॉगिन करना है और आप जो भी आप देख रहे हैं आरपीएससी सेलेक्ट करना, आरपीएससी में आप सेलेक्ट करेंगे तो वो कोड लगाना है, इन्वाइट कोड लगाना आपको AKA, जिसे आप फ्री क्लास जो टेस्ट सीरीज है वो भी देख सकते हैं, फ्री लाइव क्लास भी देख सकते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर वो वीडियो देख सकते हैं, इसलिए आपको कोड लगाइए AKA, जिससे आप फ्री लाइव टेस्ट देख सकते हैं। दोस्तों अब संस्कृत व्याकरण को लेकर भी बात करना चाहूँगा, शायद आपके परीक्षा तिथि को लेकर कंप्यूटर शायद दूर हुए होंगे, आपके संस्कृत व्याकरण दो या तीन टॉपिक बचे हैं। अब मैं बता रहा हूँ संस्कृत व्याकरण के क्रम से जो भी टॉपिक है, पहला हम लेंगे माहेश्वर सूत्र है, संज्ञा प्रकरण है, जो भी आपके टॉपिक है वो क्रम से हम टेस्ट सीरीज सब हर टॉपिक के 30% 50% लेंगे, या आप ऐसे कहीं कमेंट करेंगे किस प्रकार से टेस्ट सीरीज लेनी है, एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लें या सभी टॉपिक्स के मिक्स में टेस्ट सीरीज लें, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लेंगे, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, मनोविज्ञान, जीके, जो भी आपके है ऑनलाइन लाइव के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए एक बार पुनः बेझिझक बिना किसी कंफ्यूज के तैयारी करते रहिए, अब भी कह रहा हूँ 25 अप्रैल से पहले पहले एक बार कम से कम रिवीजन कर लेना, तो लगभग तय है कि 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होने वाली है, फिक्स बता दूं, क्योंकि 25 अप्रैल को महावीर जयंती है, गवर्नमेंट किसी बड़े पक्ष को नाराज करना नहीं चाहती है, ठीक है, तो जैन समाज नाराज हो ये गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, इसलिए आपको क्या करना है, 25 अप्रैल को ना हो तो 5-7 दिन बाद में हो सकती है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने बोर्ड से एग्जाम जो मंशा मांगी है उसकी राय मांगी है कि आपकी क्या राय है महीने दो महीने आगे किसका है, तो ठीक है, तो बोर्ड की एग्जाम कब तक हो, कब तक नहीं हो, रिजल्ट कब तक आई, वो सभी बातों को लेकर बोर्ड उसका अपना मंशा जो आपकी राय है वो देगा सरकार को, उसके आधार पर 2-4 दिनों के अंदर बोर्ड की जो एग्जाम डेट है वो घोषित होगी। वैसे 25 अप्रैल घोषित है, आप सभी को पता है, तो उसी के आधार पर एक बार आप अपना सिलेबस कवर कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों बिना किसी कन्फ्यूज के, बिना किसी डर के, आत्मविश्वास के साथ तैयारी करते रहिए। दोस्तों जो तैयारी करते हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो किसी भी होशियार बंदे को, टैलेंटेड बंदे को पिछाड़ नहीं सकता, उसके घुटने नहीं टिका सकता। आरपीएससी अलग मैटर होता है, आरपीएससी में अलग मैटर है, होशियार से होशियार बंदे के घुटने टिका सकती है आरपीएससी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मैं अब भी कह रहा हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोस्तों मेरिट वही रहने वाली, लगभग 120 प्लस आपके सेकंड लेवल, 115 प्लस आपके, 120 प्लस लगभग वही आंकड़ा फर्स्ट लेवल का वो रहने वाला है। तो दोस्तों अब भी कह रहा हूँ, तैयारी जो करेगा, 15 लाख फॉर्म भर, 16 लाख 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं, अभ्यर्थी हैं आपके 11-12 लाख, ठीक है, 11-12 लाख अभ्यर्थियों में सिलेक्शन होना है 31,000 का। अब भी कह रहा हूँ 1 लाख 1,50,000 2 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों वो मेरी बात को समझ भी रहे हैं। मैं सभी बंधु को एक बार अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दोस्तों अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और दोस्तों बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल आपको भ्रमित कर रहे हैं और कर रहे हैं, जुलाई के नाम पर हो, जून के नाम पर हो, क्योंकि वो बातें आपको पसंद आती है, क्योंकि आप जुलाई में चाहते हैं, ठीक है, तो नो टेंशन आइए, 25 अप्रैल के आधार पर एक बार सिलेबस कवर कर लीजिए, जो भी होगा आगे देखा जाएगा, क्योंकि एक बार अगर सिलेबस हो जाए, एक महीना आगे बढ़े, तो आपको जो रिवीजन है उसका समय भी आपको अच्छे से मिल पाएगा। तो आशा करता हूँ अगर पसंद आए तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि सभी सूचनाएँ आपके पास पहुँचती रहे, जैसे सूचना पहुँचती है 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं आपको पहुँचा दूँगा। और संस्कृत व्याकरण के लिए यहाँ पर जुड़े और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।